नमस्कार, मैं आशवाणी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। वह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक थे। 3 फरवरी 1958 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गया होते हुए चतरा आए थे। उन्होंने 1958 में ही आगाह किया था कि छोटा नागपुरवासी नहीं जागेंगे तो दूसरे क्षेत्रों के लोग लाभ उठा लेंगे। आज विश्व दिव्यांग दिवस है। इस वर्ष का थीम है समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान। इसके माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी खास दिन पर ऐसे दिव्यांगजनों के संघर्ष और जुनून की कहानी बयां की जा रही है। इनका संदेश है, हम किसी से कम नहीं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हाथ में चोट लगने के कारण बांग्लादेश के खिलाफ रविवार से शुरू होने वाले वनडे में नहीं खेल पाएंगे। शमी की जगह उमरान मलिक को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने शनिवार को यह जानकारी दी है। दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। हैकिंग की जांच कर रहे अधिकारियों ने चीन की ओर इशारा किया है। बताया गया है कि एम्स के 5 सर्वर हैक किए गए थे। IFSO के मुताबिक हैकिंग के दौरान पर्सनल डाटा भी लीक हुआ है। ये डाटा डार्क वेव के मेन डोमेन पर भी होने की संभावना है। इससे भारत के VVIP सहित लाखों मरीजों के सीक्रेट डाटा लीक होने की आशंका बढ़ गई है। राज्य जांच एजेंसी ने श्रीनगर में शनिवार सुबह फंडिंग मामले में हुर्रियत कार्यकर्ताओं के घरों समेत कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस बीच एजेंसी को कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। इस मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। प्रदेश जांच एजेंसी SIA ने शनिवार को कश्मीर घाटी में आतंकी और अलगाववादी मामलों की जाँच के सिलसिले में एक हुर्रियत नेता समेत 12 लोगों के ठिकानों की तलाशी ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर हमला बोला है। भाजपा की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे जय श्री राम का नारा देते हैं क्योंकि वे सीता की पूजा नहीं करते हैं। राहुल द्वारा भगवान राम पर दिए गए बयान के बाद अब यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को जय श्री राम न सही, भाजपा ने जय सियाराम बोलने के लिए विवश कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी रावण वाली टिप्पणी को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी है। भाजपा नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे खड़गे ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने गुजरात में चुनावी लाभ के लिए उनकी टिप्पणी का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि नीतियों के बारे में होती है। कैट आंसर की अब ऑब्जेक्शन उठाने की लास्ट डेट कल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बैंगलोर कल यानी कि 4 दिसंबर 2022 को कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2022 की उत्तर कुंजी पर आपत्ति उठाने के लिए ओपन ऑब्जेक्शन विंडो को शाम 5 बजे बंद कर देगा। अब ऐसे में उम्मीदवार जो आधिकारिक कैट आंसर की के लिए आपत्तियाँ उठाना चाहते हैं वे आपत्ति प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने दिल्ली से राहुल कुमार नाम के शख्स को अमेरिका के एक प्रोफेसर से सेक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया है। अलसोला निवासी राहुल ने महिला से वीडियो और फोटो वायरल नहीं करने के लिए $48,000 भी लिए। जब उसकी मांगें बढ़ने लगी तो महिला ने शिकायत दर्ज करवाई। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं को लेकर किए अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं केवल इतना चाहता हूं कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करे और उन्हें शिक्षा और रोजगार दे। देश के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में नवंबर महीने में पहली बार इतना अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के 122 सालों के रिकॉर्ड के अनुसार यह देश के लिए 12वां सबसे गर्म नवंबर रहा। बीते महीने देश भर में बारिश भी 37% कम दर्ज की गई है और कोहरा भी कम बना। सोना एक बार फिर 53,600 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर निकल गया है। ये करीब 27 महीनों में सोने की सबसे ऊंची कीमत है। इससे पहले 18 अगस्त 2020 को सोना 53,815 रुपये तक पहुंच गया था। 2021 में इसने कभी 53,000 का स्तर नहीं छुआ। दरअसल डॉलर में गिरावट के चलते दुनिया भर में सोने की कीमत बढ़ी है। इसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिल रहा है। कुल्लू मनाली जा रहे लोगों को अब ज़्यादा टोल भरना होगा। रास्ते में पड़ने वाले जोहलू नाला टोल प्लाजा को पार करना और महंगा हो गया है। अब इस टोल प्लाजा को पार करने के लिए छोटे वाहनों को अब 35 की जगह 75 रुपये देने होंगे।
हुरून इंडिया के देश की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में टॉप 3 महिला नियोक्ताओं में भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पहला स्थान हासिल किया है। कंपनी में करीब 35% यानी 2.1 लाख महिला कर्मचारी हैं। लिस्ट में शामिल 500 में से 410 कंपनियों ने अपने बोझ में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। नौसेना में करीब 3000 अग्निवीर पहुंच गए हैं, जिनमें से 341 महिलाएं हैं। यह बात नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कही है। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच की रिपोर्ट आ चुकी है। लगभग 3000 अग्निवीर शामिल हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 341 महिलाएं हैं। अगले साल हम महिला अधिकारियों को सभी शाखाओं में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं, ना कि केवल 7-8 शाखाओं में जो आज तक सीमित है। पश्चिम बंगाल में घर में बम बनाने के दौरान विस्फोट हो गया है। इससे 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। माचार एजेंसी ANI के अनुसार पूर्व मेदिनीपुर सीमा के भूपति नगर थाने के अर्जुन नगर इलाके में तृणमूल कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना के घर में शुक्रवार रात विस्फोट हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। भूपति नगर की ऑफिसर इंचार्ज काजल दत्ता ने इसकी पुष्टि की है। शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 में हाल ही में एक पान वाला आया था, जिसके खेल से अमिताभ बच्चन काफी प्रभावित हुए थे। केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में झारखंड के जमशेदपुर की अंकिता आशी हॉट सीट पर नजर आई हैं। अंकिता ने बिग बी अपने सपनों को लेकर बात की, साथ ही बताया कि 2 महीने पहले ही उनकी माँ फास्टेस्ट फिंगर राउंड तक पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं को सबसे पारदर्शी संस्थान बताया और कहा कि कुछ लोगों के बयानों के आधार पर कॉलेजियम प्रणाली को पटरी से नहीं उतारा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को कुछ ऐसे लोगों के बयानों के आधार पर बेपटरी नहीं की जानी चाहिए जो दूसरों के कामकाज में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हों। इसके साथ ही उसने जोर दिया है कि सर्वोच्च अदालत सबसे पारदर्शी संस्थानों में से एक है। ईडी ने PMLA 2002 के तहत मुंबई और नागपुर में 17 परिसरों की तलाशी ली है, जिसमें इंडोनेशियाई मूल के सुपारी की तस्करी में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल हैं, जिनकी तस्करी ज्यादातर भारत म्यांमार सीमा के माध्यम से की जाती है। दिल्ली MCT चुनाव के लिए रविवार को मतदान होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। दिल्ली नगर निगम के 3 अलग अलग जोन को मर्ज करने के बाद इस बार चुनाव अब 250 सीटों पर हो रहा है। चुनाव में 1336 प्रत्याशी मैदान में है। चुनाव का असर कई चीजों पर नजर आने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ रामपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ 2 दिन में यह दूसरा मामला दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 1 दिसंबर को रामपुर आए थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की कई दीवारों पर विवादित जाति सूचक नारे लिखे जाने की घटना के बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी स्कूल सेंटर में सिंगल एंट्री या एग्जिट पॉइंट बनाया जाए, साथ ही सभी स्कूल सेंटर के एंट्री पॉइंट पर एंट्री या एग्जिट रजिस्टर मेंटेन किया जाए। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के फोन की CDR रिपोर्ट निकाली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में सामने आया है कि श्रद्धा के फोन की लास्ट लोकेशन 18 और 19 मई को महरौली के छतरपुर में थी। 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल से कई फोन भी किए थे और सामने से भी कई फोन आए थे। वही 19 मई को फोन से कोई कॉल या मैसेज नहीं हुआ। 7 दिसंबर यानी बुधवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दिखाई नहीं देंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। राजस्थान के सीकर स्थित उद्योग नगर क्षेत्र में गैंगस्टर राजू ठेठ को अज्ञात बदमाशों ने उसके घर के पास ही गोली मार दी है। गोली लगने से गैंगस्टर राजू ठेठ की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अब राजू ठेठ के परिजनों की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने राजू ठेठ की हत्या का आरोप गोलजी बरार पर लगाया है। राजू ठेठ के परिजनों का दावा है कि यह बदला आनंद पाल गैंग के खिलाफ चलने के कारण लिया गया है। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि वो यानी हिंदू 40 साल से पहले गैरकानूनी तरीके से 2-3 बीवियां रखते हैं। 40 साल के बाद उनके बच्चा पैदा करने की क्षमता कहाँ रहती है। उनको मुसलमानों के फॉर्मूले को अपनाकर अपने बच्चों की 18 से 20 साल की उम्र में शादी करा देनी चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से एक बुरी खबर सामने आई है। यात्रा में शामिल एक और कांग्रेसी नेता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक का नाम मांगीलाल शाह बताया जा रहा है। मृतक मांगीलाल शाह मध्य प्रदेश के जीरापुर के रहने वाले थे। मांगीलाल के निधन पर राहुल गांधी ने भी शोक जताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो करने से पहले भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी को देखने के लिए वही भारी भीड़ जुटी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होनी है। इसके लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी राज्य में जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर तंज कसते हुए नेताओं को जय श्री राम नहीं बल्कि जय सिया राम कहने की नसीहत दी। इसके बाद से भाजपा उन पर हमलावर है। दरअसल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नेताओं ने राहुल गांधी को इस बयान पर घेरते हुए कई ट्वीट भी किए हैं और उन्हें नाटक मंजुली का नेता बताया है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 253 नए मामले सामने आए, जिसके बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,597 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार केरल और हिमाचल प्रदेश द्वारा संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान किए जाने के बाद मृतकों की सूची में 3 और मामले जोड़े गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, नुनू कुमार, गोलू, चंदन कुमार, बाबूलाल मरांडी, मनीष कुमार, निशा कुमारी, मोहम्मद नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव बिहार पर कितना पड़ेगा। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।